हे हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल मंजिल भारत। आई एम मार रुक और हम लोग जेके पी कॉन्स्टेबल का इंग्लिश का सिलेबस कवर कर रहे हैं, जिसमें से आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट प्रेपोजिशंस एंड यूजेस ऑफ प्रेपोजिशंस। सो हम लोगों ने दिवाली वाले दिन पर एक्टिव एंड पासिव वॉइस पर वीडियो डाली थी एंड बहुत से कमेंट थे कि वो जो एक चैप्टर है वो सिलेबस में मैंशनड आउट नहीं है और फजूल में करवाया जा रहा है। बट जस्ट टू एड ऑन टू योर इन्फॉर्मेशन, अगर आप जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाएंगे और अनप्रडिक्टेबिलिटी ऑफ JKSSB बोर्ड को मद्देनजर रखकर देखेंगे तो एक आधा क्वेश्चन ऑन एक्टिव एंड पासिव वॉइस पर उठता ही उठता है। सो जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड हमने एक वीडियो डाली है फॉर द एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जिसे हमने बहुत प्रिसाइसली डिस्कस किया है कि अगर कोई क्वेश्चन आता है तो यू आर एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन। So, before I start with the preposition, आज की chapter से there is a very important announcement जो मुझे करनी है। So, अगर आप देखेंगे कि कोई भी key to a success या competitive examination निकालने का अगर एक छोटा सा अगर आपको एक key है वो है एक तो syllabus cover करना, उससे भी ज़्यादा important है mock test या test series को attempt करना। So, it has been seen कि जितना आप एक इफेक्चुएट होते हो, जितना आप एक एग्जामिनेशन के पैटर्न्स से वाकिफ होते हो उतना इजी हो जाता है एग्जामिनेशन डे। सो जो एंग्जाइटी होती है बिटवीन द एग्जामिनेशन डे और पहले की प्रैक्टिस में वो थोड़ी सी कम हो जाती है। सो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सिलेबस तो कंप्लीट करो बट साथ साथ में जितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हो ऑन दैट पर्टिकुलर सिलेबस वो करें, ठीक है। जितने जितने क्वेश्चंस करते चलोगे, जितने MCQs निकालते चलोगे, एक तो बेसिक्स उतने क्लियर होते जाएंगे और साथ में जो चीज स्किप हो गई है वो भी इंक्लूड होती जाएगी और कहीं ना कहीं आप एग्जामिनेशन पैटर्न से वाकिफ रहेंगे। सो टू कीप दिस थिंग इन माइंड, वी हैव केप्ट दिस थिंग इन माइंड, सो वी एट मंजिल भारत वी हैव लॉन्च टेस्ट सीरीज एट जस्ट 99। सिर्फ 99 पे हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, जिसका शेड्यूल मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। सो दिस टेस्ट सीरीज में पांच मॉक टेस्ट रहेंगे जो कवर करेंगे पूरा सिलेबस जो मेंशनड आउट है JKP कांस्टेबल का, इस इवन की जो एड डाउन इन्होंने किया है, जो डिलीशन इन्होंने किए हैं वो भी इसमें इंक्लूड रहेंगी। उसके साथ साथ कि जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे सिमिलर पैटर्न पे जो क्वेश्चंस आए हैं उनको इनफैक्ट कीप इन माइंड कर हमने ये मॉक टेस्ट को डिजाइन किया है। सो पांच मॉक टेस्ट है जिसमें आपका 1 नवंबर को होगा मॉक टेस्ट 1, देन 9 नवंबर मॉक टेस्ट 2 कंडक्ट किया जाएगा, 16 नवंबर मॉक टेस्ट 3, 20 नवंबर मॉक टेस्ट 4 एंड 23 नवंबर मॉक टेस्ट 5। सो एज यू नो कि JKP कांस्टेबल का जो एग्जाम है वो बहुत जल्दी आने वाला है। सो टू प्रेप योर सेल्फ यू नीड टू अटेम्प्ट मोर एंड मोर MCQs और ये जो मॉक टेस्ट है, ये टेस्ट सीरीज है, ये स्पेसिफिकली डिजाइन की गई है टू कीप ऑल दीज थिंग्स इन माइंड। सो लेट्स गो बैक टू द चैप्टर हम जो करने वाले हैं आज, दैट इज इंग्लिश का प्रेपोजिशन। सो हियर वी आर विद अ प्रेपोजिशन। ठीक है, सो प्रेपोजिशन कहीं ना कहीं लोकेशन बताता है नाउन का या सब्जेक्ट का, ऑन, एट, अंडर, बिलो, बीनीथ, ठीक है, फ्रॉम, बिहाइंड। सो कहीं ना कहीं ये जितने भी वर्ड्स आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, जैसे फ्रॉम हो गया, ऑन हो गया, विदिन हो गया, अबव हो गया, बिलो हो गया, फॉर हो गया, इंस्टेड हो गया, टॉप हो गया, बाय हो गया, नियर हो गया, ओवर, अपसाइड, इनसाइड, सिंस, एक्सेप्ट, अपॉन, ऑफ फ्रंट, ये सब प्रेपोजिशनल वर्ड्स हैं। सो वी विल अंडरस्टैंड इनकी यूसेजेस, जिसको हमने डिवाइड किया है दो वीडियोस में। आज हम कुछ प्रेपोजिशंस के साथ डील करेंगे और पार्ट टू जो रेस्ट ऑफ द प्रेपोजिशंस है उनके साथ डील करेंगे। सो विद दिस, अगर आप अपने प्राइमरी स्कूल कि अगर चार्ट जो आपकी इंग्लिश टीचर ने पहली बार जब प्रेपोजिशंस आपको इंट्रोड्यूस करवाया था, सो शी मस्ट हैव डन इट विद अ चार्ट, विद द हेल्प ऑफ अ चार्ट। जो एक प्राइमरी, जब इंसान पहली बार प्रेपोजिशन पढ़ता है इन द प्राइमरी क्लासेस में, तो विद द चार्ट, हेल्प ऑफ द चार्ट उसे प्रेपोजिशन पढ़ाई जाती है। सो हम एक रीकैप करेंगे उसी टाइम को। सो यहां पर देर इज अ प्रेपोजिशन का एक चार्ट है आपके सामने, जिसमें अगर आप देखें,
जस्ट अ मिनट, जिसमें अगर आप देखें, सो देयर इज अ डॉग एंड अ बॉक्स, ठीक है, दो चीजें हैं इसमें जो यूज हुई हैं. सो अगर तो डॉग इज इन द बॉक्स, तो कौन सा प्रेपोजिशन इस्तेमाल होता है? इन, अंदर बताता है एन. अगर डॉग इज गोइंग इन द बॉक्स, इन टू, कोई मूवमेंट है तो हम बोलते हैं इन टू, ठीक है. अगर डॉग बॉक्स के आर पार है तो कौन सा हम प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं? थ्रू. सो आई जस्ट बिलीव कि ये लाइट की वजह से प्रॉब्लम आएगी, जस्ट अ मिनट, इज इट क्लियर नाउ? या ठीक है. सो अगर तो डॉग बॉक्स के आर पार है तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं प्रेपोजिशन थ्रू. अगर डॉग बॉक्स के आस पास है, आर पार नहीं, आस पास है, तो अराउंड हो गया, ठीक है. सिमिलरली ऊपर है तो अबव हो गया, नीचे है टेबल के तो बिलो हो गया. सो कहीं ना कहीं व्हाट वी आर डीलिंग विद इज दैट कि प्रेपोजिशन वो वर्ड्स होते हैं जो कहीं ना कहीं हमें लोकेशन बताते हैं, जिस चीज के बारे में यहां पर हम बात कर रहे हैं. किसके बारे में? सब्जेक्ट क्या है? डॉग है. ऑब्जेक्ट क्या है? बॉक्स है या चेयर है या टेबल है, ठीक है. जब जो वर्ड्स हमें बताते हैं कहीं ना कहीं लोकेशन कि एग्जैक्टली जो चीज हम लिख रहे हैं, जो सब्जेक्ट है उसकी लोकेशन क्या है, उसे हम, उन वर्ड्स को हम प्रेपोजिशन कहते हैं, ठीक है. सो अप, बाय, बिटवीन, दो बॉक्सेस के बीच में है तो बिटवीन लग रहा है, साथ खड़ा है तो बिसाइड लग रहा है, नेक्स्ट टू इज ऑल्सो साथ, ठीक है. राइट, लेफ्ट, इनसाइड, बिहाइंड, इन फ्रंट, आगे है तो इन फ्रंट ऑफ, बाहर है तो आउटसाइड, उसके ऊपर है तो ऑन आ गया, ठीक है. सो दीज आर द वर्ड जो लोकेशन बता रहे हैं आपको सब्जेक्ट की विद रेफरेंस टू ऑब्जेक्ट. उन्हें हम सॉरी उन्हें हम प्रेपोजिशंस कहते हैं. अब मैंने टू मेक इट वेरी क्लियर सहायता के लिए प्रेपोजिशंस को नो, अगर देखा जाए टेक्निकली प्रेपोजिशंस को दो में डिवाइड नहीं करते, ठीक है. बट जस्ट टू मेक इट मोर इजी फॉर अस बोथ, मैंने प्रेपोजिशंस को दो चीजों में डिवाइड किया है. एक हो गई एकेडमिक प्रेपोजिशंस, एक होती है कॉम्पिटिटिव प्रेपोजिशंस. अभी हम एकेडमिक पार्ट के साथ डील करेंगे, जैसे कि इन, इनटू, ऑन, ऑनटू, कहीं ना कहीं सेम है. इन भी वही है, इनटू, सो एक हल्का सा डिफरेंट है, बट अगर आप वर्ड को देखेंगे तो कहीं ना कहीं वर्ड्स तो सिमिलर है ना. ऑन है, ऑनटू है, इन है, इनटू है, बिटवीन बीच में हो गया, अमिड, बहुत से लोगों की जब बात होती है अमिड हो गया, कुछ लोगों की जब बात होती है तो अमंग हो गया. अब ये अमिड, अमंग, बिटवीन कहाँ लगाए? दो अगर होते हैं तो बिटवीन बोलते हैं, बहुत से होते हैं तो अमिड बोलते हैं, कुछ ही होते हैं, काउंटेबल होते हैं तो अमंग बोलते हैं. सिमिलर पैटर्न्स, इन्हीं को तो यूसेजेस ऑफ प्रेपोजिशंस कहेंगे ना. ये कहाँ पर्टिकुलर चीजें यूज हो रही हैं उन्हीं को हमने ध्यान में रखना है. दूसरे हो गई कॉम्पिटिटिव प्रेपोजिशंस. सो कुछ ऐसे भी अल्फाज होते हैं जिनके साथ प्रेपोजिशंस लगती ही नहीं है, जो टेक्निकली इनकरेक्ट होती है अगर आप उनके साथ प्रेपोजिशंस लगाएं. या कुछ ऐसे भी अल्फाज होते हैं जिनके साथ एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन, कि उसके साथ, उस वर्ड के साथ वही प्रेपोजिशन लगेगी, उसको आप चेंज या इंटरमिंगल नहीं कर सकते. या कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जिनके साथ कुछ कोई और प्रेपोजिशंस विद डिफरेंट प्रेपोजिशंस, ठीक है. सो इसे हम एक क्विक ओवरव्यू करके समझते हैं. पहले हम कॉम्पिटिटिव ले रहे हैं कि कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनके साथ हम प्रेपोजिशंस ऑल टुगेदर अवॉइड करेंगे. तो वो वर्ड्स हैं एंटर, इनटू, मतलब एग्जाम्पल के तौर में आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि एंटर के साथ इनटू इस्तेमाल नहीं होता. क्यों? एंटर का मतलब ही इन इटसेल्फ होता है कि कोई इंसान कहीं एंटर कर रहा है, ठीक है. ही एंटर्ड द एग्जामिनेशन हॉल और शी एंटर्ड द रूम, ठीक है. कहीं ना कहीं जो एंटर इन इटसेल्फ जो वर्ड है वो बता रहा है कि वो इंसान अंदर आ रहा है, ठीक है. तो जब वो खुद ही लोकेशन बता रहा है वर्ड, उसके साथ प्रेपोजिशन का काम ही क्या है, ठीक है. सो वी डोंट यूज प्रेपोजिशन विद सच टाइप ऑफ वर्ड्स. सो प्रेपोजिशन के, जैसे कि मैंने कहा, अगर रीकैप करें, प्रेपोजिशन का एग्जैक्ट काम होता क्या है कि वो आपको लोकेशन बताते हैं,
और एंटर, अगर आप एंटर की ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में देखें उसका मीनिंग, तो एंटर तो खुद ही बता रहा है कि एंटर का मतलब क्या होता है, कोई अंदर आ रहा है. तो जब खुद ही वर्ड लोकेशन बता रहा है तो उसके साथ प्रेपोजिशन विल नॉट बी यूज्ड. नेक्स्ट, ही एंटर्ड द एग्जामिनेशन हॉल इन अ हरी. नेक्स्ट आ जाता है रिटर्न बैक. रिटर्न बैक, सो रिटर्न का मतलब होता है वापस देना. ही रिटर्नड माई बुक विच ही टुक दैट डे. ठीक है, उसने मेरी किताब वापस कर दी, या उसने मेरे कपड़े वापस कर दिए जो उसने पहनने के लिए लिए थे, या उसने मेरी बॉटल वापस कर दी, वॉट एवर. बट रिटर्न जो एक वर्ड है उसका अपना ही मतलब है कि वापस देना. ठीक है, उसके साथ हम प्रेपोजिशन बैक नहीं लगाएंगे. ठीक है, वी वॉन्ट मेक इट, हम इन वर्ड्स को कॉम्प्लेक्स नहीं करते, क्योंकि इन वर्ड का लिटरल मीनिंग ही खुद लोकेशन बताना ही होता है. सो रिटर्न का मतलब होता है वापस देना, राइट? सो रिटर्न का मतलब अगर वापस देना होता है तो बैक या प्रेपोजिशन बैक इसके साथ नहीं लगेगी. ही विल रिटर्न फ्रॉम हिज ट्रिप टुमारो. समझ आ गया ना कि वो अपनी ट्रिप से कल वापस आ रहा है. वापस आ रहा है, बता रहा है एग्जैक्टली कब आ रहा है, जब कब बात हुई, कहां और कब की बात हो रही है, तो उसी के लिए प्रेपोजिशन लग रही है. ठीक है, कब रिटर्न खुद बता रहा है कि वो कब आ रहा है. He'll be getting return, he'll return from trip tomorrow. So, कब का जवाब खुद वर्ड अल्फाज दे रहा है, तो इसके साथ दोस्तों आप प्रेपोजिशन नहीं लगाएंगे. सो एंटर के साथ आप प्रेपोजिशन नहीं लगाएंगे, रिटर्न के साथ प्रेपोजिशन नहीं लगाएंगे. चलिए, इन्वेस्टिगेट इनटू. अब देखिए, इन्वेस्टिगेशन अगर देखी जाए तो इन्वेस्टिगेशन खोज की जाती है ना. कोई क्राइम सीन होता है उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, या कोई कांड होता है उसकी इन्वेस्टिगेशन. तो इन्वेस्टिगेशन खोज होती है, उसके साथ इनटू तो नहीं लगेगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का जो लिटरल मीनिंग अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी होगा ही खोजना. ठीक है, आप सबूत खोज रहे हैं. ठीक है, तो जब वर्ड इन इटसेल्फ मीनिंग दे रहा है उसके साथ आप प्रेपोजिशन नहीं लगाते. ठीक है, एग्जाम्पल अगर बात करें, द हेड कैशियर इन्वेस्टिगेटेड द शॉर्टफॉल ऑफ द कैश. कि कैश की शॉर्टफॉल हो गई, तो जो कैशियर था, हेड कैशियर था, वो इन्वेस्टिगेट करने लगा कि मैटर क्या है कि शॉर्टफॉल हो गई. तो इसके साथ हम इनटू या ऑनटू ऐसा कोई वर्ड नहीं लगाएंगे. डिस्पाइट ऑफ, ठीक है, डिस्पाइट कि डिस्पाइट बीइंग सक्सेसफुल, कि इसके अलावा, लाइक इसके अलावा भी वो, मतलब डिस्पाइट कि वो बहुत कामयाब है, फिर भी वो हैप्पी नहीं है, वो खुश नहीं है. तो यहाँ पे फिर भी बता रहा है वर्ड डिस्पाइट, जिसका अपना ही मतलब है कि डिस्पाइट होता है फिर भी, जबकि वो एक सक्सेसफुल औरत है या सक्सेसफुल आदमी है पर खुश नहीं है. तो जब वर्ड ही मतलब बता रहा है तो उसके साथ हम लोग प्रेपोजिशन कंडीशन नहीं लगाते. नेक्स्ट हम आ जाते हैं कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं लगता. जबकि स्पोकन इंग्लिश की अगर बात करें तो डेफिनेटली हम जल्दी जल्दी और फ्लुएंसी को मेंटेन करने के चक्कर में कभी कभी कंप्राइज ऑफ भी बोल देते हैं. बट टेक्निकल और ग्रामेटिकल अगर अंग्रेजी की बात करें तो कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं लगता. ठीक है, क्योंकि कंप्राइज का मतलब ही होता है कि वो इंक्लूड होता है उसमें. ठीक है, तो कंप्राइज के साथ ऑफ लगाना इज टोटली रॉन्ग. जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, द इंटर कॉलेजिएट फेस्टिवल जो हुआ, इसमें काफी सारे कॉम्पिटिशन्स हो रहे थे, जो पोएट्री था, पेंटिंग था, स्कल्पचर था, वट एवर, डांसिंग था, म्यूजिक था. सो बहुत से कॉम्पिटिशन हो रहे थे इस फेस्ट में. ठीक है, तो इस फेस्ट में कंप्राइज कर रहा था ये काफी, तो इंक्लूडेड थे कहीं ना कहीं. ठीक है, जब हम कंप्राइज की बात कर रहे हैं, इंक्लूजन की बात कर रहे हैं, और वर्ड खुद मतलब बता रहा है कि मेरा मतलब इंक्लूडेड है, उसके साथ हम ऑफ नहीं लगाते. राइट, नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट आता है डिस्क्राइब. डिस्क्राइब मतलब किसी चीज की डिस्क्रिप्शन देना. ठीक है, आप कभी नहीं बोलते कि डिस्क्राइब अबाउट that person's appearance, या describe about that dress. You don't speak. But definitely, as I told you earlier also,
कि बोलने वाली अंग्रेजी और लिखने टेक्निकल करेक्ट होने वाली अंग्रेजी में काफ़ी डिफरेंस रहता है, क्योंकि बोलने वाली अंग्रेजी में डेफिनेटली हमारा एक वो रहता है कि जस्ट टू मेंटेन द फ्लुएंसी हम जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश करते हैं, उसमें हम टेक्निकल चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं। बट जब ग्रामेटिकल बात आती है तो डिस्क्राइब बताता है, डिस्क्राइब इज वॉट एक्चुअली, डिस्क्राइब का मतलब क्या है कि वो इंफॉर्मेशन दे रहा है, और डिस्क्राइब के साथ अबाउट जैसा प्रेपोजिशन नहीं लगता। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें, द स्टूडेंट्स डिस्क्राइब द फैक्ट्स ऑफ देयर साइंस प्रोजेक्ट एट द एग्जीबिशन, यू कैन नॉट, इट इज इनकरेक्ट टू से दैट द स्टूडेंट डिस्क्राइब अबाउट द फैक्ट्स ऑफ देयर साइंस प्रोजेक्ट एट द एग्जीबिशन। नेक्स्ट आ जाते हैं डिस्कस अबाउट। डिस्कस अबाउट मतलब, डिस्कस मतलब लाइक सॉर्ट ऑफ अ डिस्कशन करना, ठीक है, बातचीत करना, डिस्कशन करना। डिस्कस अबाउट नहीं लगता, ठीक है, डिस्कस के साथ यू डोंट हैव टू यूज एनी प्रेपोजिशन, सो दीज द वर्ड्स जिनके साथ प्रेपोजिशन लगती नहीं है टेक्निकल लैंग्वेज में। जैसे कि एम्प्लॉय डिस्कस कर रहे थे द प्लान्स विद द मैनेजर, सो यू कैन नॉट टॉक कि एम्प्लॉयज वर डिस्कसिंग अबाउट द प्लान विद द मैनेजर, बिकॉज डिस्कस जो वर्ड है वो खुद ही बता रहा है दैट द पीपल वर टॉकिंग टू ईच अदर, वो बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। सो सिंपल सी बात है, जब वर्ड खुद ही मतलब बता रहा है उसके साथ हम प्रेपोजिशन नहीं इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन के साथ कभी भी हम ऑफ और अबाउट नहीं लगाते। एक्सप्लेनेशन देना, उसके बारे में बताना, एग्जैक्टली जस्ट लाइक डिस्क्रिप्शन देना, हाँ, एक्सप्लेन करना मतलब लंबी चौड़ी एक दर्ज देना कि क्यों नहीं गए, क्यों ऐसा हुआ, क्यों क्यों का जवाब देना, क्यों ये हुआ। तो जब एक्सप्लेन की बारी आती है उसके साथ भी टेक्निकल लैंग्वेज में कोई भी प्रेपोजिशन लगाना बिल्कुल गलत होता है। जैसे कि कैन यू एक्सप्लेन द कॉज ऑफ योर एक्शन, यू कैन नॉट से कैन यू एक्सप्लेन ऑफ द कॉज ऑफ योर एक्शन, ठीक है, ऑफ नहीं लगेगा, अबाउट नहीं लगेगा, एक्सप्लेन के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लगेगी, क्योंकि एक्सप्लेन खुद ही बता रहा है कि आपने उस बारे में तब्दीली से बात करनी है। अटैक के साथ अगेन ऑन एंड अपॉन नहीं लगता, ही अटैक्ड अपॉन द ह्यूमन, द टाइगर अटैक अपॉन द ह्यूमन इज एब्सोल्यूटली रॉन्ग, बिकॉज अटैक जो वर्ड है वो बता रहा है वो क्या, अटैक का मीनिंग होता क्या अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी, हमला करना, ठीक है, जब वर्ड ही बता रहा है कि हमला होता है ना किसी पर, ठीक है, हमला तो किया जाता है या होता है, टेरिटरी पर होता है या किसी पर होता है, तो जब हमला होता है मतलब कोई शार्प चीज होगी या कोई वॉयलेंट एक्शन हुई है किसी पर, ठीक है, तो उसमें आप अपॉन या ऑन नहीं, मतलब एक कॉमन सेंस की बात है कि किसी पर ही होगा, ठीक है, हमला। सो टॉम अटैक जेरी बट कुडंट डू, टॉम एंड जेरी जो कार्टून हम देखते थे दैट वॉज एक माउस एंड अ कैट की जो स्टोरी थी, जिसमें वो बोलते नहीं थे, सब कुछ एक ऑडियो चलता रहता था, लाइक इट वॉज अ विजुअल अपेयरेंस। सो टॉम ने जेरी पर अटैक किया बट उसको पकड़ा नहीं, राइट, यू कैन नॉट से दैट टॉम अटैक्ड अपॉन या ऑन, यू विल से टॉम अटैक्ड जेरी बट कुडंट फाइंड इट या कुडंट कैच इट। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, अब हम लोग एकेडमिक प्रेपोजिशंस की तरफ जा रहे हैं जिनमें से इंपॉर्टेंट है टू या टू वर्ड्स, राइट। सो लेट्स स्टडी टू कहाँ इस्तेमाल होता है और टू वर्ड्स कहाँ इस्तेमाल होता है। सो टू, जब टू की बात करें तो टू बताता है, इट इज नॉट अ न्यूमेरिकल टू, इट इज टी ओ, एंड एक और है टू दैट इज टी डब्ल्यू, दैट इज अ न्यूमेरिकल टू, इट इज टू, इवन वन इज टू, I love you too, I miss you too, ये वाला टू नहीं, टी ओ वाला टू। जब टू होता है तो वो डेस्टिनेशन बताता है, ठीक है, कि कोई कहाँ जा रहा है, डेस्टिनेशन क्या है, ठीक है, जैसे कि, और टूवर्ड जो होता है वो डायरेक्शन बताता है। एक होता है डेस्टिनेशन कि जैसे कि मुझे घर जाना है, यहाँ के बाद घर जाना है, तो घर क्या है, मेरी डेस्टिनेशन है, ठीक है, मुझे क्योंकि घर जाना है। अगर डायरेक्शन कि मुझे टूवर्ड्स सिटी जाना है, अगर मैं कुछ ऐसे बोलूं कि मुझे टूवर्ड्स पक्के डंगे, मतलब वहां से होते हुए जाना है, तो कहीं ना कहीं मतलब पक्के डंगे वो मेरी डेस्टिनेशन नहीं है बट उसी रास्ते में आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं डायरेक्शन की जब हम बात करते हैं
तो टू वर्ड्स लगाते हैं, डेस्टिनेशन की बात करते हैं तो हम लोग टू लगाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ये बोले कि मुझे आज शाम को स्टेशन पर जाना है, तो स्टेशन इज वॉट, इट्स अ डेस्टिनेशन, तो मैं कौन सा प्रेपोजिशन इस्तेमाल करूंगी दोस्तों, टू इस्तेमाल करूंगी। ठीक है, अगर मुझे ये बताना है कि अच्छा वो तुम्हें छोड़ देंगे, ठीक है, बिकॉज दे आर गोइंग टूवर्ड्स द स्टेशन, ठीक है, उन्होंने स्टेशन पर जाना नहीं है, वो कहीं आगे पीछे जा रहे होंगे, बट स्टेशन उन्हीं रास्ते में, त्रिकुटा नगर के रास्ते में आ जाएगा या बहुप्लाजा के रास्ते में आ जाएगा, तो वो तुम्हें छोड़ते हुए जाएंगे। ठीक है, सो टूवर्ड्स क्या बताएगा, डायरेक्शन, टू क्या बताएगा, टी ओ वाला, दैट इज योर डेस्टिनेशन। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट आते हैं हम टू एंड फॉर पर। टू अगेन कैन बी नहीं सॉरी, अब हम नेक्स्ट करते हैं गो एंड गेट। ठीक है, वन इज द गो, अदर इज द गेट, व्हाट इज हैपनिंग या ओके, सो बात हो रही है गो टू एंड फॉर की। अब टू जो है इट इज ऑलवेज टूवर्ड्स कम और रिटर्न टू अ प्लेस। ठीक है, सेंड समबडी टू दैट थिंग या सेंड समथिंग टू दैट थिंग, जब आप किसी चीज को भेजते हो या वहां से वापस लाते हो, रिटर्न एंड इट इज रिटर्न एंड कम। ठीक है, यू आर इधर यू आर सेंडिंग और यू आर रिटर्निंग, सो किसी जगह से वापस या जाने को हम लोग टू इस्तेमाल करते हैं। गेट फॉर इस्तेमाल होता है जब हम लीव या स्टार्ट कर रहे हैं, यू आर लीविंग फ्रॉम दैट प्लेस और यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम दैट प्लेस। एग्जाम्पल के तौर पर अंडरस्टैंड करेगा कि जस्ट टू, ये मेरा से ना ये कंफ्यूजन हो गया, व्हेन आई गॉट दिस टू एंड गेट कंफ्यूज। ठीक है, सो इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल यू शुड गो टू होम, नाउ यू शुड गो टू होम। यहां पे हमने टू इस्तेमाल क्यों किया दोस्तों, क्योंकि हमने किसी जगह पे जाना है। ठीक है, टू आ गया, किसी जगह पे जाना है, जाना है जब हमने तो हम टू इस्तेमाल कर रहे हैं, बिकॉज सेंड समबडी या सेंड समथिंग में टू इस्तेमाल होता है। आई वेंट टू होम लास्ट नाइट, आई वेंट देयर, राइट। सो वेंट टू होम एक सॉर्ट ऑफ डेस्टिनेशन भी है, एक सॉर्ट ऑफ हमने कहीं गए थे, हम गए थे। ठीक है, तो जब सेंडिंग वाली बात हो रही है तो टू इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट, वो मेरे घर को आई लास्ट नाइट, डेस्टिनेशन है उसका घर और वो वहां पर आई लास्ट नाइट, अगेन वी आर यूजिंग टू ओवर हियर। मैं उसके घर गया कल या परसों, ठीक है, मैं उसके घर गया, बिकॉज अगेन सेंडिंग समथिंग somebody to that place, we use to over there. Next आ जाता है note. To कभी भी घर के पहले इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, to is not used before the word home. I went to his home. मैंने कभी ये नहीं बोला I went to home. To his home, to my home. ठीक है, कहीं ना कहीं pronoun की जरूरत पड़ेगी home के आगे, कभी भी टू होम के साथ इस्तेमाल नहीं होता। नेक्स्ट है इफ पोजेसिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड बिफोर, तब हम टू इस्तेमाल कर रहे हैं। होम इन दिस केस टू कैन बी यूज्ड। पोजेसिव एडजेक्टिव जैसे कि माय होम, ठीक है, टू माय होम, आवर होम, टू आवर होम, योर होम, हिज होम, हर होम, इट्स देयर, तब हम टू इस्तेमाल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक सॉर्ट ऑफ ब्रेक चाहिए, क्योंकि टू कभी भी होम के साथ इस्तेमाल नहीं होता। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अलोंग पर। ठीक है, सो अलोंग, अलोंग इज अनदर प्रीपोजिशन और इसका हम यूसेज देख लेते हैं कि कहां अलोंग यूज होता है। सो अलोंग यूज होता है इन अ सेम लाइन, जब एक ही धारा पर आप चल रहे हैं उस टाइम पर हम इस्तेमाल करते हैं प्रीपोजिशन अलोंग, राइट। जैसे कि इन द सेम लाइन ऑफ, मतलब उसी धारा में, एक ही लाइन में जब चल रहे हैं तो
तो हम अलोंग इस्तेमाल कर रहे हैं प्रेपोजिशन। जैसे कि मैंने उसे देखा, ही वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड, मतलब रोड के साथ साथ, रोड जिस लाइन में है वो उसी लाइन में चल रहा था और मैंने उसे देखा, तो अलोंग हम इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट आता है टर्न राइट एंड गो अलोंग द रेलवे ट्रैक, तुम्हें राइट टर्न करना है और जिस लाइन में तुम्हें रेलवे ट्रैक्स दिख रहे हैं, जिस धारा में तुम्हें रेलवे ट्रैक्स दिख रहे हैं, तुम्हें उसी में चलते आगे बढ़ते रहना है। सो अलोंग जो प्रेपोजिशन है वो इस्तेमाल होता है जब हम ये कहना चाहते हैं अलोंग द लाइन ऑफ, उसी धारा में, सेम एक लीनियर मोशन टाइप है, राइट। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट प्रेपोजिशन है अक्रॉस, ठीक है, सिमिलर टू अलोंग। अलोंग हो गया एक ही लाइन, जैसे कि हमने बोला कि अलोंग द रेलवे ट्रैक, अलोंग द, ही वॉज वॉकिंग अलोंग दैट बैरिकेड, ही वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड। नेक्स्ट होता है अक्रॉस, ऑपोजिट कहीं, ठीक है, ऑन द ऑपोजिट साइड। सो आई वॉज वॉकिंग एंड ही वॉज अक्रॉस द रोड, ठीक है, रोड के उस तरफ वो खड़ा था। जैसे कि माय एल्डर सिस्टर लिव्स अक्रॉस गंगा रिवर, मतलब गंगा रिवर यहां पे बहती है, उसे धारा में उसका घर नहीं है, उसकी ऑपोजिट साइड पर उसका घर पड़ता है। या माय फ्रेंड इज स्टैंडिंग, वो दूसरे तरफ, जैसे हम कहते नहीं हिंदी में कि दूसरे तरफ खड़ा है, दूसरे तरफ रोड के खड़ा है, तो माय फ्रेंड इज स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड एंड वेविंग हिज हैंड। सो अलोंग हो गया, सिंपल तरीके से अगर लेमैन लैंग्वेज में बात करें तो अलोंग हो गया उसी धारा में, इन दैट सिमिलर पैटर्न या सिमिलर लाइन की बात करें, ठीक है, और अक्रॉस हो गया आपका ऑपोजिट, ठीक है, उल्टी तरफ या दूसरी तरफ, बिल्कुल ऑपोजिट साइड। नेक्स्ट जो प्रेपोजिशन है दैट इज अगेन अक्रॉस, कहीं ना कहीं हम इस्तेमाल यहां पे भी करते हैं जब हम बोलते हैं फ्रॉम वन साइड टू अनदर। सो एक साइड से जब हम दूसरे साइड की तरफ देखते हैं तब भी हम प्रेपोजिशन अक्रॉस इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि देर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, सो देर इज अ रिवर ओवर हियर और जो ब्रिज है वो इसके ऊपर है ना, फ्रॉम वन साइड, इस साइड से उस साइड तक है, तो जब हमने बोलना है कि ये ब्रिज ओवर द रिवर है, अक्रॉस है ना, एक साइड से दूसरे साइड को जोड़ रहा है, सो तब हम कौन सा प्रेपोजिशन इस्तेमाल कर रहे हैं, अक्रॉस। सो फ्रॉम वन साइड टू अनदर वाले सिचुएशन में भी क्या इस्तेमाल हो रहा है, अक्रॉस, ऑपोजिट वाली सिचुएशन में भी क्या इस्तेमाल हो रहा है, अक्रॉस, इन द लाइन ऑफ की सिचुएशन में क्या इस्तेमाल हो रहा है, अलोंग, ठीक है। लेट अस स्विम अक्रॉस द रिवर, मतलब एक रिवर है और हमें एक किनारे से दूसरे किनारे तक स्विम करके जाना है, सो जब हम बात कर रहे हैं एक किनारे से दूसरे किनारे तक के जाने की, तो कौन सा प्रेपोजिशन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहां पर अक्रॉस। नेक्स्ट आ गया अगेंस्ट, अगेंस्ट इज ऑलवेज कि कोई फोर्स अप्लाई हो रही है एंड यू आर कहीं ना कहीं अपोजिंग अ फोर्स। एक तो हो गया अक्रॉस, अक्रॉस माने क्रॉस माने ऑपोजिट साइड, या कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि फ्रॉम वन साइड टू अनदर। अगेंस्ट इज समथिंग क्वाइट, एक कह सकते हैं कि थोड़ा स्ट्रॉन्ग प्रेपोजिशन है कि जो बता रहा है यू आर अपोजिंग समथिंग, यू आर समबडी, ठीक है, या तो आप किसी पर फोर्स लगा रहे हैं या किसी चीज पे फोर्स लगा रहे हैं। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वी शुड नॉट गो अगेंस्ट लॉ, खिलाफ, ठीक है, एज आई सेड कि प्रेपोजिशन अगेंस्ट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेपोजिशन, इसका मतलब है खिलाफ, हमें कानून के खिलाफ कोई काम नहीं करना चाहिए, मतलब वी शुड नॉट अपोज द रूल्स एंड द लॉज दैट आर मेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, सो वी शुड नॉट गो अगेंस्ट द लॉ। नेक्स्ट आता है द वर्कर्स हैव एक्टेड अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ डायरेक्टर, तो डायरेक्टर ने जो ऑर्डर दिया था वर्कर्स ने उसके खिलाफ जाके काम किया है। और जब बात आप जब किसी चीज को बताना चाहते हैं, अपोजिशन बताना चाहते हैं, या किसी चीज को या किसी को अपोज करना चाहते हैं, तो आप कौन सा प्रेपोजिशन इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों, यहां पर अगेंस्ट, ठीक है, जिसका मतलब है खिलाफ। नेक्स्ट आता है अगेंस्ट, कभी कभी हम लोग ऑपोजिट साइड के लिए भी करते हैं, बट देयर इज अ ट्रिक, क्योंकि अक्रॉस भी हम ऑपोजिट साइड के लिए करते हैं, अगेंस्ट भी कहीं सिचुएशन में हम ऑपोजिट साइड के लिए करते हैं। जैसे कि देखो, इट इज डिफिकल्ट टू पेडल द साइकिल अगेंस्ट विंड, ठीक है, हवा चल रही है और तुम साइकिल चला रहे हो, ठीक है,
कहीं ना कहीं अगर तुम फिजिक्स के लॉज में थोड़ा जाओगे, कहीं ना कहीं तुम्हें फोर्स उसके अगेंस्ट अप्लाई करनी है, ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करनी है। विंड इस तरफ चल रही है और तुम्हें साइकिल उस तरफ घुमाना है, तब जाकर एक सॉर्ट ऑफ मोशन क्रिएट होगा। तो जब हम कहीं ना कहीं, एज आई सेड बिफोर ऑल्सो, फोर्स लगा रहे हैं टुवर्ड्स समथिंग या टुवर्ड्स समवन, हम इस्तेमाल कर रहे हैं प्रेपोजिशन अगेंस्ट, ठीक है। या ऐसा भी एग्जाम्पल है, इट इज डिफिकल्ट टू सेल अगेंस्ट द करंट। तो करंट जो है, वाटर करंट है, उसकी धारा कुछ ऐसे चल रही है और जो बोट हमारी है, किश्ती हमारी है, वो हमने इस तरफ चलानी है। तो इसका फोर्स इस तरफ लग रहा है, चलानी हमें इस तरफ है, तो क्या हो रहा है, एक फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है, हम लोग अपोज कर रहे हैं। और जब बात अपोज की आती है, फोर्स लगाने की आती है, तो हम कौन सा प्रेपोजिशन लगाते हैं दोस्तों, अगेंस्ट लगाते हैं, सिंपल। नेक्स्ट आ जाते हैं अगेंस्ट, कभी कभी हम प्रेसिंग ऑन पे भी इस्तेमाल करते हैं। प्रेसिंग ऑन मतलब कि जैसे कि मैं खड़ी हूं और दीवार के साथ ठासना लगा के खड़ी हूं, ठीक है। तो आई एम अगेंस्ट, आई एम लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, राइट। बिकॉज कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो वॉल इस तरफ है, जस्ट अ मिनट, कहीं ना कहीं वॉल इस तरफ है और मैं यहां पे खड़ी हूं ना, तो मैं एक सॉर्ट ऑफ प्रेशर मेंटेन कर रही हूं, अपोज कर रही हूं ना, एक कहीं ना कहीं लीन कर रही हूं, मदद ले रही हूं। तो जब मैं प्रेसिंग ऑन कर रही हूं, उस सिचुएशन में भी जो मैं प्रेपोजिशन इस्तेमाल कर रही हूं वो है अगेंस्ट। जैसे कि ही इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, मतलब वॉल का सहारा लेकर वो खड़ा है, राइट। डोंट लीन अगेंस्ट द वॉल, उस दीवार के साथ खड़े मत रहो, साथ खड़े मतलब उस दीवार के अगेंस्ट खड़े मत रहो, अपना फोर्स उस दीवार पर मत लगाओ, ठीक है। फोर्स से लगाना हुआ ना, जब मैं दीवार का सहारा ले रही हूं तो मैं फोर्स लगा रही हूं ना, मैं अपना सारा वेट उस दीवार पर डाल रही हूं। तो कहीं ना कहीं अगर कॉमन सेंस की बात करें तो कहीं ना कहीं ऑपोजिशन ही है ना। और जहां ऑपोजिशन है वहां पे कौन सा प्रेपोजिशन किक इन करता है, वहां पे अगेंस्ट आ जाता है, ठीक है, सिमिलर हो गया। नेक्स्ट आता है बिटवीन, अमंग एंड अमिट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं, पर कहां इस्तेमाल करना है, करेक्ट यूज क्या है, वो हम देखेंगे। अब अगर बात करें बिटवीन की दोस्तों, तो वो दो इंसानों में या दो चीजों के बंटवारे में बिटवीन इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि दो भाइयों में बंटवारा हो गया, हाँ, या दो लोगों के बीच में टॉफीज डिस्ट्रीब्यूट करनी है, वट एवर द सर्कमस्टांसेस। जब हम दो की बात करते हैं, डुअल लोगों की बात करते हैं, तब हम डुअल चीजों की या डुअल लोगों की बात करते हैं, तो हम कौन सा प्रेपोजिशन लगाएंगे, बिटवीन, ठीक है जी। डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स बिटवीन दीज टू चिल्ड्रन, दो ही बच्चे हैं, उनके बीच में मिठाइयां बांटनी है। शे सिटिंग, फादर यहां बैठा है, भाई यहां बैठा है, उनके बीच में बैठी है ना, तो दो लोगों के बीच में बैठी है। जहां दो हो गया वहां पर कौन सा प्रेपोजिशन किक इन करेगा, बिटवीन करेगा, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें, बिटवीन कभी कभी यूज होता है फॉर मोर देन टू पर्सन ऑन थिंग इन ऑर्डर टू टेल द रेसिप्रोकल रिलेशन। जैसे कि देर इज एन अलायंस बिटवीन दीज फोर कंट्रीज ऑफ एशिया। अब यहां पे आप बोलोगे ये तो चार कंट्रीज है, ठीक है, बिटवीन दीज फोर कंट्रीज है ऑफ एशिया, क्योंकि देखिए रेसिप्रोकल की बात है। जैसे कि अगर चार कंट्रीज एग्जाम्पल के तौर पे लगा लो, इंडिया, मालदीव्स, ठीक है, कहीं ना कहीं श्रीलंका, ठीक है, और कहीं ना कहीं बांग्लादेश। अब देखिए इनके बीच में हम अलायंस की बात कर रहे हैं, इंडिया का बांग्लादेश, इंडिया का मालदीव, ठीक है, और श्रीलंका के साथ। रेसिप्रोकल रिलेशन मतलब इंडिया का अगर मालदीव्स के साथ है तो मालदीव्स का श्रीलंका के साथ भी है, या मालदीव्स का इंडिया के साथ भी है, ठीक है, श्रीलंका का बांग्लादेश के साथ भी है, तभी तो अलायंस बन रहा है ना, चारों में अगर पीस होगा तभी अलायंस बनेगा। तो श्रीलंका का बांग्लादेश के साथ भी है, बांग्लादेश का मालदीव्स के साथ भी है, बांग्लादेश का इंडिया के साथ भी है। तो एक रेसिप्रोकल रिलेशनशिप की अगर बात करते हैं तब हम बिटवीन को टू से ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। देर इज अ कॉर्पोरेशन बिटवीन दीज फोर फैमिलीज ऑफ द सोसाइटी, मतलब कहीं ना कहीं ये आपस में रेसिप्रोकल रिलेशनशिप में है। एंड कंजंक्शन इज यूज बिटवीन, जब हम बिटवीन में एंड कंजंक्शन को इस्तेमाल करते हैं, जब हम बिटवीन प्रेपोजिशन की बात करते हैं। चलिए, नाउ देर इज अ डिफरेंस बिटवीन एंड। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव एनी क्वारीज यू कैन कंटेक्ट अस बिटवीन 10 AM एंड 4 PM, ठीक है।
अगर आपके कोई क्वेरीज हैं तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। दो टाइमिंग बता दी, तो बिटवीन के साथ हमने एंड इस्तेमाल किया है। हिज मंथली इनकम इज बिटवीन 10K 50K। एक तो दो चीजों के बारे में बात कर ली, जब दो चीजों के बारे में बात कर ली तो हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा ज्वाइनिंग वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड, यही समझा रहा है ये, ठीक है। अमंग, अमंग इस्तेमाल होता है दोस्तों जब मोर देन, जब दो से ज्यादा लोगों के बारे में बात हो रही है पर काउंटेबल है, जैसे कि प्रॉपर्टी डिवाइड हो रही है तीन बहनों में, ठीक है, दो से ज्यादा जब आ गए किक इन कर जाते हैं तो अमंग प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हो। डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमंग द स्कूल चिल्ड्रन, तो स्कूल चिल्ड्रन जो है 30 होंगे, 15 होंगे, 10 होंगे, 5 होंगे, उससे ज्यादा तो अनकाउंटेबल तो नहीं है ना, ठीक है, काउंटेबल है, उतनी ही टॉफीज होंगी जितने बच्चे होंगे, उतनी टॉफीज आई होंगी, तो कहीं ना कहीं 2 से डेफिनेटली ज्यादा ही होता है अमंग, पर कहीं ना कहीं काउंटेबिलिटी रहती है, ठीक है, उसमें प्रेपोजिशन हम अमंग इस्तेमाल करते हैं। एक होता है अमंग, एक होता है अमंगस्ट। अमंग होता है जर्नली अगर देखा जाए तो कोई डिफरेंस नहीं होता इसमें, डेफिनेटली जो ये वर्ड होता है इसे हम वोवल साउंड के साथ इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अगर बात करें वन आइड मैन, ठीक है, सॉरी जैसे कि बात करें ऑनरेबल मैन, ठीक है, तो स्टार्ट तो ये कॉन्सोनेंट एच से हो रहा है पर प्रोनाउंस कर रहा है ओ की वोवल साउंड निकाल रहा है, तो इसके साथ अगर मुझे यूज करना है अमंगस्ट तो मैं अमंगस्ट इस्तेमाल करूंगी। काइंडली लॉजिकली इन दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं होता। आ गया नेक्स्ट वर्ड अमिड, अमिड हो गया अनकाउंटेबल, वो क्राउड के अमिड खड़ा है, अब हमें नहीं पता कि वहां पे जो क्राउड देखने वाला आया है वो कितना क्राउड, अनकाउंटेबल, जहां अनकाउंटेबल नाउन की बात होती है दोस्तों वहां पे हम अमिड इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे चाइल्ड डॉल वॉज फाउंड अमिड द रिकेज ऑफ हेलीकॉप्टर, आई फाउंड अ कोल्ड ड्रिंक अमंग द हीप ऑफ द गार्बेज। नेक्स्ट आ जाते हैं इन एंड इनटू, सो इन इज द पोजीशन बताता है, और एज आई सेड डॉग इनटू द बॉक्स कहीं ना कहीं इनटू मोशन बता देता है, जैसे कि बॉयज आर सिटिंग इन द रूम, लड़के उसके रूम में बैठे हुए हैं, सो कहीं ना कहीं पोजीशन है कि बैठे हैं इन द रूम, ठीक है, दे केम इन टू द रूम, चलते हुए आए, कहीं ना कहीं मोशन है ना, वो चलते हुए कमरे में आया, तो मोशन जहां हुआ वहां इनटू आ गया, जहां पे पोजीशन आ गई वहां पे इन आ गया। दे हैव सम मनी इन माई वॉलेट, अब वॉलेट में ही पैसे होंगे, पैसे तो नाच नहीं रहे होंगे ना वॉलेट में अगर पड़े हैं, तो कहीं वॉलेट में ही पैसे होंगे, तो अगर मुझे पैसे की पोजीशन बताने की पैसे कहाँ पड़े हैं तो मेरे वॉलेट में पड़े हैं। अगर मुझे ये बोलना है कि मतलब मैं ये थोड़ी बोल सकती हूँ तो द मनी इज इन टू द वॉलेट, वो नाच थोड़ी रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम ऑन एंड ऑन टू पर, ऑन इज अगेन द पोजिशन, ऑन टू इज अगेन द मोशन, ठीक है। ऑन बुक जो किताब है वो टेबल के ऊपर पड़ी है, ऊपर पड़ी है तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ऑन, ठीक है, और ऑन टू होता है आई थ्रू द बुक अप ऑन टू द टेबल, मैंने टेबल के ऊपर ही फेंकी, पर एक मोशन में बता रही हूं ना कहीं मैं सिग्निफाई क्या कर रही हूं, कहीं ना कहीं मैं सिग्निफाई मोशन को कर रही हूं, और जब मैं मोशन की बात करूंगी तो मैं इनटू या ऑनटू करूंगी, ठीक है। इनटू हो गया अंदर की तरफ मोशन, ऑनटू हो गया ऊपर की तरफ मोशन, इन हो गया अंदर की तरफ, ऑन हो गया ऊपर की तरफ, सिंपल सी बात है, राइट। सो नेक्स्ट आता है एट एंड इन में डिफरेंस। सो दोस्तों एट इस्तेमाल होता है स्मॉलेस्ट ड्यूरेशन ऑफ द डे में, जैसे कि डॉन, डस्क, हाँ, ट्यूलाइट, सनराइज, सनसेट, मिडनाइट, ज्यादा देर ड्यूरेशन तो नहीं है ना ये दिनों की, ये थोड़े थोड़े पीरियड, आधा घंटा हो सकती है, 15 मिनट हो सकता है सनसेट, 30 मिनट का सनसेट हो सकता है, उससे ज्यादा तो नहीं होता। जब हम शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन की बात करते हैं ना दोस्तों, एक दिन के जब हम टाइम बताते हैं तो हम इस्तेमाल करते हैं एट, और वहीं पर इन हम इस्तेमाल करते हैं पार्ट्स ऑफ द डे की, जैसे कि इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, द मीटिंग स्टार्ट्स एट 7 इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग इज वेरी बिग,
इट स्टार्ट फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली जब सनराइज होता है और जब तक सूरज ढलता नहीं है, मतलब सॉरी लंच का टाइम नहीं आता तब तक मॉर्निंग चलती रहती है 12 बजे तक, है ना, 12 बजे के बाद. सो इट वॉज लाइक तब तक इवनिंग होती है दैट देर इज अ मतलब डे टाइम. सो जब एक लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन की हम पार्ट्स ऑफ द डे की बात करते हैं, पार्ट ऑफ द टाइम की बात करते हैं तो हम इस्तेमाल करते हैं इन. जब हम शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन ऑफ द डे की बात करते हैं तो हम इस्तेमाल करते हैं एट. एक चीज याद रखिएगा कि एट नाइट होता है ड्यूरिंग एनी नाइट. जब नाइट की बात आती है सो देयर इज एन एक्सेप्शन. जब हम एट नाइट बोलते हैं तो हम बोल इसका मतलब होता है कोई भी ऐसी रात में. पर जब हम इन द नाइट बोलते हैं तो हम डेफिनेटली कोई एक पर्टिकुलर रात की बात करते हैं. जैसे कि आई ऑफन वर्क लेट एट नाइट, मतलब मेरा आदत है कि मैं इंसोम्नियक हूँ, मुझे रात में काम करना पसंद है. आई एम अ वर्कहोलिक हु वर्क्स लेट एट नाइट. ठीक है, तो मैं यूजुअली कोई भी रात में, कोई पर्टिकुलर ऐसी रात नहीं है ना जिसमें मुझे काम करना पसंद नहीं है, मुझे रात को ही काम करना पसंद है. सो जब कोई भी रात हो गई तो मैं क्या इस्तेमाल करूँगी, कौन सा प्रेपोजिशन इस्तेमाल करूँगी, एट. और अगर मुझे एक पर्टिकुलर रात की अगर बात करनी है, रात्रि की बात करनी है, लाइक आई हैड टू गेट अप टू रिसीव माई पेरेंट्स, क्योंकि मेरे पेरेंट्स सुबह आ रहे हैं उस पर्टिकुलर मतलब रात के बाद आ रहे हैं, तो मैं जब पर्टिकुलर चीज के रात के बारे में बात करूंगी तो मैं क्या इस्तेमाल करूंगी दोस्तों, इन. और अगर मैं कोई भी रात के बारे में बात करूंगी तो मैं क्या इस्तेमाल करूंगी, एट. वेरी सिंपल. ठीक है, सो दिस प्रेपोजिशन, बिकॉज देयर आर टू मेनी प्रेपोजिशन, इसको हम कंटिन्यू करेंगे, हम इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन ही लेंगे और फटाफट से उन्हें देखने की कोशिश करेंगे. सो ऑन दिस नोट हमारा पार्ट वन प्रेपोजिशन का है वो खत्म होता है. सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.